नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं मशीन वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पल्सर 150 में नए टाइमिंग चेन को कैसे लगाया जाता है और इसमें टाइमिंग को कैसे सेट किया जाता है। और आप अभी जिस पल्सर 150 को यहाँ देख रहे हैं, ये 2012 का UZ3 मॉडल है और आज हम लोग इस पे देखेंगे टाइमिंग को कैसे सेट किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जब भी आप लोग इसमें टाइमिंग को सेट करेंगे और अगर इसका सिलेंडर हेड पहले से खुला हुआ है, तो आपको कोशिश करना है कि इसका जो पिस्टन है आपको इसे टॉप पे रखना है, इसके बाद ही इसका जो सिलेंडर हेड है आप इसमें लगाएं। ऐसा करने से क्या होगा, आप जब इसमें बाद में टाइमिंग को सेट करेंगे तो आपको टाइमिंग को सेट करने में आसानी होगा। तो आप ऐसा कोशिश करें कि इसका जो पिस्टन है उसको टॉप पर रखना है, इसके बाद ही इसमें सिलेंडर हेड को लगाना है। तो आप अभी देख पा रहे हैं इसमें सिलेंडर हेड को अभी लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले इसके टाइमिंग चेन को ऊपर से कुछ इस तरह से यहाँ अंदर डाला जाता है और जब ये टाइमिंग चेन दूसरे तरफ से बाहर आ जाता है तो इस टाइमिंग चेन को क्रैंकशाफ्ट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और जैसे कि आप यहाँ इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस टाइमिंग चेन को ऊपर में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से होल्ड किया जाता है ताकि ये जो टाइमिंग चेन है नीचे गिर ना जाए। तो टाइमिंग चेन को लगाने के बाद इसमें टाइमिंग चेन स्पॉकेट को इसमें लगाया जाता है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में यहाँ देख पा रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर टाइमिंग चेन स्पॉकेट को यहाँ लगाया जा रहा है। इसके बाद टाइमिंग चेन को टाइमिंग चेन स्पॉकेट के ऊपर कुछ इस तरह से यहाँ चढ़ा दिया जाता है। और आप अभी देख सकते हैं इसमें केम शाफ्ट को यहाँ लगाया जा रहा है। इसके बाद इसमें टाइमिंग चेन केम स्पॉकेट को यहाँ लगाया जाएगा। तो जब इसमें टाइमिंग चेन केम स्पॉकेट को यहाँ लगाया जाएगा, उसी समय हम लोग इसमें टाइमिंग को सेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बताया था, पिस्टन को टॉप पे सेट करना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसके मैग्नेट पे आपको यहाँ एक टी का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो अगर पिस्टन टॉप पे होता है तो टी का सिंबल आपको यहाँ आसानी से दिखाई दे देगा इसके आसपास। और अगर आप लोग पिस्टन को पहले से टॉप पे नहीं सेट करते हैं तो आपको क्रैंकशाफ्ट को घुमा के टी को इस जगह पे लाना पड़ेगा। और कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन में जब हम लोग टाइमिंग को सेट करते हैं तो पिस्टन हमेशा टॉप पोजिशन पर ही होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसके मैग्नेट पे या फ्लाईव्हील पे एक टी का सिंबल दिया गया है। तो इस टी के सिंबल को इस डॉट के साथ जो यहाँ दिया गया है इसको मिलाना होता है। तो सबसे पहले इस टी के सिंबल को इस डॉट के साथ आपको मिलाना होता है। इसके बाद इसका जो टाइमिंग केम चेन स्पॉकेट है इसको कुछ इस तरह से सेट किया जाता है, जैसे कि मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। सेम टाइम में जो इसका टी है मैग्नेट पे, ये भी इस डॉट के साथ मिलना चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस केम चेन स्पॉकेट को यहाँ कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि आप यहाँ देख सकते हैं इस केम चेन स्पॉकेट के ऊपर में मिडिल में आपको यहाँ एक डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको ठीक ऊपर में इस जगह पे रखा जाता है और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी आपको यहाँ 2 डॉट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ वीडियो पर देख पा रहे हैं। तो इन दोनों डॉट को कुछ इस तरह से रखा जाता है और इसका जो मिडिल वाला डॉट है एकदम सीधा बीच में होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ को कुछ इस तरह से यहाँ सेट किया जाता है। सेम उसी टाइम में इसका जो फ्लाईव्हील होता है या मैग्नेट होता है उसमें जो टी का सिंबल दिया रहता है उसको भी इस डॉट के साथ मिलाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ जब आपस में सेम टाइप पे मिल जाते हैं तो इसमें टाइमिंग सेट हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पल्सर 150 में टाइमिंग को कैसे सेट किया जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था वीडियो को और थोड़ा लंबा करके मैं आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाता, बट मेरे पास कम फुटेज होने के कारण मुझे आपको इतना में ही समझाना पड़ा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैंने अपना इंस्टा का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिए। और इस तरह के नए नए वीडियोज़ को देखने के लिए मशीन वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।